नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। एक बार फिर घटना को मर्माहत कर देने वाली है पटना सिटी से, आलमगंज थाना क्षेत्र का, बेलवरगंज का। विस्तार से मैं बतलाता हूँ। शादी समारोह जलसे का अभी सीजन है, मौसम है। उसी शादी समारोह में कल रात में एक बारात निकलती है पश्चिम दरवाजा से, अशोक राजपथ होता हुआ सिटी कोर्ट जाना था। ठीक फायर ब्रिगेड के पास बारात में, जाहिर सी बात है कि हॉर्स फायरिंग होती है। इस पूरे जानकार किस वक्त में ये NMC का पोस्टमार्टम के पास है। इनके परिजन आए हुए हैं, शोकाकुल परिवार है। हम सीधे चलते हैं इनके परिजन, वो क्या करें उनकी बात को सुनते हैं। शुभम कुमार, आपको कौन लगते हैं? भाई लगते हैं, मुसेरा भाई था मेरा। अच्छा अच्छा कल की क्या घटना हुई? कल बारात में गया था, कुछ तीन वो प्रबंधित हैं जो डांस कर रहे थे लड़की लोग बीच में। ठीक है, लड़की लोग डांस कर रही थी, उसको ये हटाने के लिए तीन वो बाहरी लड़का आया था। सब शराब पिए हुए थे, ओवर पूरा पिए हुए थे। ठीक है, पी के हटाने लगा तो पहले हवाई फायरिंग किया एक, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर गोली मार दिया गया। ये भी डांस कर रहे थे क्या? नहीं, ये तो हटाने में लगा हुआ था सबको, जो ऊपर शादी में ये भी थे क्या? ये भी गए थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम प्रिंस सिन्हा था, उर्फ चुनमुन था। उम्र कितना होगा? 30 साल होगा। शादी हुआ, दो बच्चा है। कहाँ के रहने वाले? ये पहले बजंगपुरी के रहने वाले, पहले बेलवरगंज के रहने वाले थे। ये रेंट पर रहते हैं। पकड़ में नहीं आया क्या? नहीं, पकड़ में कोई भी नहीं आया है। तो क्या मांग रखते हैं? मांग कुछ नहीं, बस धराना चाहिए तीनों। और कुछ क्लूप भी नहीं मिल रहा है, प्रशासन में कुछ सहयोग अभी तक नहीं किया है। कांड हुआ, आप कौन लगते हैं? मिलते हम उसके जीजा लगते हैं। ये सब जो कांड हुआ ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा बात है कि जैसे सब चीज़ प्रशासन को भी टाइट होना चाहिए। अभी बराती सराती का मौसम है, ऐसे लोग घूमेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। अब किस में घुस के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन जान रहा है। लेकिन अब वो उसको बचाने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति घुसता है तो अपना परिवार का रक्षा करने के लिए ही ना घुसेगा, इज्जत बचाने के लिए घुसेगा। अब उसमें ऐसे जान जाएगा, गोली चलेगा, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको लगता है तो कि हम लोग बॉडी दे देंगे? नहीं दे पाएंगे जब तक तो प्रशासन है, लेकिन प्रशासन अपना नजर आ रहा है, कोई भी नहीं नजर आ रहा है। बॉडी तो ऐसे नहीं देंगे बिना प्रशासन के। वो कहाँ है देखिए ना, वो अभी आते हैं कि नहीं आते हैं, कितना देर में उनको यहाँ पर नजर वहाँ पर है। दिनांक 28/11/2023 को आलमगंज थाना अंतर्गत बेलवरगंज के पास एक व्यक्ति को गोली लग गई थी और NMCH में इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गई है। एक बारात चल रही थी और उस पर कुछ युवक डांस कर रहे थे, इसी बीच कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था और इसी दौरान प्रिंस कुमार नामक व्यक्ति को गोली लग गई थी और इलाज के क्रम में उसका मृत्यु भी हो गई है। जिसने गोली मारा है उसका पहचान किया जा रहा है और पुलिस अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था, क्या घटना? घटना बराती में नाच रहा था लड़की लोग, तो दो चार गो लड़कों छेड़खानी करने लगा, बचवा दिया छोड़ावे लगी, वही में हत्या बाई करके उसको गोली चला दी। अच्छा, ये शादी जिसकी थी परिवार में था या किसी और की शादी थी? परिवार में था। कहाँ का घटना है यहाँ पे? ये घटना तो पोलियो के पास है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये तो पड़ता है बेलवरगंज पटना सिटी, आपका दमकलवा के प्रसाद। आप क्या हुए, मृतक के क्या हुए आप? जी गीता जी। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार। मृतक का क्या नाम था? बिलनर प्रसाद। प्रिंस कुमार। मृतक के जो परिजन हैं, भाई हैं, बहनोई है, उनका कहना है कि बारात में डांस हो रहा था, अचानक तीन अपराधकर्मी आते हैं और गोली मार दिया जाता है। गोली पहले हर्ष फायरिंग होती है, उसके बाद गोली मार दिया जाता है। उनकी गोली जो लगने वाला है, मृतक का नाम है प्रिंस कुमार, वो 30 वर्ष है, शादी हो गई उनकी और दो बच्चे के उनके पिता हैं, साथ में मोबाइल के कारोबार करते हैं। उनकी हिम्मत को दाद देने पड़ेगी क्योंकि जब गोली उनके बांह में लगे
तो एक मोटरसाइकिल के सहारे NMCH जाते हैं, रसीद कटवाते हैं, उनकी बात इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल उठता है पुलिस के लिए एक चुनौती, ये लगातार इस तरह की घटनाएं, चाहे वो आपराधिक मामले का हो या फिर हर्ष का, ये लगातार घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लोग तो जो कहते थे क्या कि गाँव में होता है, शहरों में पैर धीरे धीरे पसारना शुरू कर दिया। एक बार फिर से पुलिस चुनौती है, और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उन अपराध कर्मियों को दबोचने का, उन अपराध कर्मियों को सलाखों में भेजने का। यहाँ पर गमगीन माहौल है, मृतक के परिवार लोग हैं, इसी पोस्टमार्टम रूम में उनका बॉडी है, पोस्टमार्टम का कार्य चल रही है। अब देखना है अपना पटना पुलिस कितनी सजग है, उन अपराध कर्मियों के बीच में जाते हैं। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।